प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपने जो हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत आदर और महिमा और सम्मान करती यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेंगे। इस सुंदर से रात्रि के समय हम आपका बहुत बहुत आदर और महिमा और सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंदा जीवित यह हो परमेश्वर। परमेश्वर आज आपके हर एक जीवन में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में कार्य करने जा रहा है। आपको धैर्य रखना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है कि पिता आज मुझे संभालेगा। इस नए समय में परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिपूर्ण करेगा। इस सुंदर से रात्रि के समय आपको परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, और सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को और आपको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। इसीलिए पिता हम आपको आदर करते हैं, महिमा करते हैं, सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि पिता आपने मेरे बाल बच्चों को संभाला, आपने मेरे घर को, आपने मेरे बिजनेस को, आपने मुझे संभाला। इसके लिए बहुत बहुत मैं आदर और महिमा और सम्मान करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आज हमें बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आज एक भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर अभिषेक करेगा। आज इसमें हर प्रकार की बरकत आपको वो देने जा रहा है। आपको किसी चीज़ की कोई घटी और कमी नहीं होगी। जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं वो लोग सभी लोग प्रार्थना करें, लाश तक करें प्रार्थना, क्योंकि आज आपके बच्चों को आशीष देने जा रहा है। आपके घर को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है ताकि उसमें बरकत हो, उसमें आशीष हो। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं परमेश्वर आपको खुल करके देगा यीशु नासरी के नाम से। वो नासरी नाम से आज हमारा परमेश्वर आज हमारे बीच में है, वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो पवित्र खुदा हमारे पास है, जो जीवित है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सृष्टि की निर्माण की, जिसने संसार को रचा, जिसने हमें बनाया। आज उसी के सामने अपने घुटने को टेक करके उसके वचन की ओर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन के माध्यम से सिखाया और बताया कि आपको किस तरीके से परमेश्वर के प्रति प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे से किस तरीके से प्रेम रखना चाहिए। आज वो परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। आज हमें प्यार करने की आवश्यकता है, उस खुदा से प्यार करने की आवश्यकता है। इस संसार में किसी से आप प्यार करते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं तो एक न एक दिन टूट जाते हैं, लेकिन खुदा कहता है, वो कहता है कि तुम मुझसे प्रेम कर, मैं तुझे जिंदगी भर प्रेम करूंगा, प्यार करूंगा तुझसे मैं। क्योंकि आज हमारे सांसारिक प्रेम में, सांसारिक व्यवहार में, सांसारिक रिश्तेदारी में किसी न किसी रूप में किसी न प्रकार की कोई हीन भावना आ जाती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे प्यार कर। आज हम उस सच्चे खुदा से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा और वो हमें अनंत काल तक नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुझे अनंत काल तक पवित्र आत्मा के द्वारा रखे रहूँगा और तुझसे मैं हमेशा प्यार करूँगा, तुम मुझसे प्रेम करेगा। क्योंकि प्यार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा दिल कोमल होता है परमेश्वर के प्रति प्यार करने के लिए, तो परमेश्वर हमारी जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करता है। क्योंकि वो आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका सर्वशक्तिमान है, वो आपका गॉड है। इसीलिए थैंक यू यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए के पिता हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदा कि आज आप हमें संभालेंगे। आज हमारे पैरों में दर्द है पिता, आज हमारे सीने में दर्द है, आज हमारे घुटनों में दर्द है, आज हमारे मानसिक तनाव है, आज हमारे पास चिंताएं हैं, आज हमारे पास कर्जे से हम दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर ने कहा, ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज वो तुम्हें आज़ाद करने चाह रहा है। और आशीष को पाना चाहते हैं तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइए किसके लिए। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि हमें क्या करना है कमेंट करके। आप जब कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए दुआ कर सकें। और जो लोग हैं टीम में लोग हैं वो भी प्रार्थना कर सके आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। दुआ कभी खाली नहीं जाती, इस बात को हमेशा याद रखना। जो दुआ होती है, जो सच्चे खुदा से परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है, कभी खाली नहीं जाती है। यदि आज आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फील्ड में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को वो ठीक करेगा। इस रात के समय परमेश्वर आपको बरकत, आपको नींद
नहीं आती, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से। परमेश्वर ने वादा किया है और किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, संकट और क्लेश परमेश्वर ने किस तरीके से जैतून के पहाड़ के जो था परमेश्वर को वहाँ पे बैठे थे तो वहाँ पे अपने चेलों को एकांत में कह रहे थे, बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से हमें बता रहे थे। अंजीर के पेड़ का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया हमें, किस तरीके से अंजीर के पेड़ का दृष्टांत सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है तो पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखोगे तो जान लोगे कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। परमेश्वर ने क्या कहा, हमें ध्यान रखना है। अंजीर का जो पेड़ था उसका उदाहरण देते हुए पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया था, हमें सिखाया था कि आपका जो पीढ़ी है कभी उसका अंत नहीं होगा जब तक वो सारी बातें पूरी नहीं हो जाती हैं। इसीलिए आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके घर में बरकत देगा, आपकी आपके बेटे और बेटियों को बड़ी ऊंचाइयों तक परमेश्वर लेकर जाएगा। क्योंकि उस बेटे का उस बेटी का नाम आप लिखें, कमेंट के माध्यम से बताएं, और जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर से उनको अभिषेक करेगा, उनको बहुत जल्द परमेश्वर उनको अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। हम खुदा धन्यवाद करते हैं इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को मिटा दी सुनासरी के नाम से। आज ही आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, और आपके वचन भी कहता है कि जागते रहो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम जागते रहो। आज हमें मनन करना है परमेश्वर को, वचन को लेकर के हमें हमेशा सचेत रहना है, हमें चिंतित रहना है, हमें चिंता नहीं करना, हमें चिंतित रहना है। इस बात को हमेशा याद रखना, चिंता और चिंतित में बहुत फर्क है। इस बात को हमेशा याद रखना कि जिस बात को लेकर के हम चिंतित रहते हैं, मतलब हमारा मन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए तो हमें पढ़ना चाहिए, हमें उसको सुनना चाहिए तो हमें सुनना चाहिए, उसके उससे प्रार्थना करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम सचेत रहो और जागते रहो। परमेश्वर ने कहा है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग दूत और न उसका पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि कब आपकी मृत्यु होगी, कब आपके जीवन में संकट आएगा, कब आपके जीवन में क्लेश आएगा, कब आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, कब आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी, ये सिर्फ पिता जानता है। और संसार की रीति जो रीति रिवाज है, परमेश्वर ने कहा है कि सिर्फ वही खुदा वही परमेश्वर जानता है, ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना पिता जानता है। ना पिता तो जानता है लेकिन बेटा नहीं जानता है जो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम घबराना मत उस घड़ी के समय में, उस घड़ी के समय कोई नहीं जानता है, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना और कोई व्यक्ति जानता है। इस समय जो भी मसीह भाई बहन हैं आज वो सब खुदा पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं कि मेरा खुदा मुझे जीवित रखेगा, मुझे संभालेगा, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ और मुझे वो ताकत देगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम विश्वास योग ठहरोगे, तुम प्रभु के दास बनोगे, प्रभु के परमेश्वर के तुम बेटे बनोगे। आज हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा केवल पिता जानता है। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, परमेश्वर ने कहा है। क्योंकि जैसा जल प्रलय के पहले दिनों के जिन दिनों तक नूह का जहाज पर ना चढ़ा तब तक वहां पर हर प्रकार की एक्टिविटी होती रही, शादी ब्याह होते रहे, लोग खाते रहे, पीते रहे और नाचते रहें, हर प्रकार की जो रीति रिवाज थी वो चलता रहा। लेकिन जैसे ही नूह जहाज पे चढ़ता है तैसे क्या होती घटना आपने देखा, और कितनी भयानक घटना होती है। इसीलिए इसके विषय में कोई नहीं जानता है कि कब हमारे जीवन में संकट आएगा, कब हमारे जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा। लेकिन उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि पिता मेरे जीवन में जो भी घटी हो कमी हो उसको आप तो पूरा ही करते हैं, लेकिन जो भी तकलीफें हों पिता मुझे, परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तुम्हें अभी तक मैंने ऐसी सजा नहीं दी है कि जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं करना, आज आपको प्रार्थना करना है, आज सभी को विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि पिता आपके जीवन में बरकत आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को वो खुदा वो परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए आपको विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, भरोसा रखना है कि पिता आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को वो ठीक करेगा।
यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा तुम जागते रहो, यदि आज आप सोते हैं तो शैतान आपकी जीवन में काम करेगा और आपके घर में किसी प्रकार की बरकत नहीं होगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके घर में आएंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम जागते रहो और हमेशा जागते रहो, हमेशा सचेत रहो। परमेश्वर के वचन को लेकर के, प्रार्थना को लेकर के, विनती को लेकर के, जो विश्वास करते हैं उनके लिए बातें हैं और जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं है इस बात को सुनने के लिए। इसीलिए खुदा से आज आपको मांगना होगा, आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक करके आज परमेश्वर के सामने आपको मांगना होगा। आज वो परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा, आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें चुना है, आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सत्कलम 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 सत्कलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए, यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखी थे, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से, हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। ये समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है, वह हर प्रकार की आपकी निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच, वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो आप पति हों, चाहे पत्नी हों, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के शक
को दूर करने जा रहे हैं नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता, ईसु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे ईसु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं उनके पिता परमेश्वर, जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है वो खुलने पाए ईसु नासरी के नाम से, ब्लेस कर ईसु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है ईसु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला ईसु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं ईश्वर नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है ईश्वर नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं ईश्वर नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन के हर प्रकार की बीमारियों को चला दी ईसु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दी ईसु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है ईसु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं ईसु नासरी के नाम से, आज वो आपके चलने वाले हैं, आज आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपकी जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपकी जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है ईसु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईसु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते ईसु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं ईसु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए ईसु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा ईसु नासरी के नाम से, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, ईसु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है, आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग कितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, वो हटने वाली ईसु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी ईसु नासरी के नाम से। जो तीन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता ईसु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, ईसु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर के शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झलसा दे ईसु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी ईसु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली ईसु नासरी के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो ईसु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो ईसु नासरी के नाम से, आज वो इनके जीवन से जाए ईसु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में
दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है तो वहाँ पे हाथ रखे बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ। आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पर अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, फीवर है, उसके सिर पर हाथ रखिए, इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज चंगा होने वाला है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर, अपनी दिल की बातों को आप तक पहुँचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों को कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सत्कलम 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 सत्कलम, पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर, वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप कर्जे बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे सुनासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली सुनासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली सुनासरी के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स हैं, पिंपल स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहे सर आपको छूने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें, और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीवी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रांग करने जा रहा है, जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से परमेश्वर, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर हाई लो की बीमारी है ये सुनासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके, अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई सुनासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में मुसीबत में है, ये सब ये दबे हुए सुनासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप बंधन कर्जे सब टूटने पाई सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं सुनासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते, आज के बाद वो रुकेंगे सुनासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए,
रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले, हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाले यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जुम्मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके, और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए, दूसरों की जो गरीब लोग हों जिनको जरूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। बेटा परमेश्वर, आमीन।